हो सकता है कि आपकी पेशाब सफ़ेद रंग की हो या सफ़ेद जैसी हो, क्लाउडी जैसा हम बोलते हैं ना, क्लाउडी रंग की हो, और फिर आप चिंता कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आपको लगता होगा कि क्या मेरे स्पर्म्स उसमें जा रहे हैं या मेरा वीर्य पेशाब में जा रहा है, क्या ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा चिंतित भी आप हो गए होंगे। तो आइए उसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। होता क्या है कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन ये एक प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपको ये बीमारी है। उसमें होता क्या है कि जो पेशाब की थैली है उसका जो मुंह है वहाँ एक वॉल रहता है, तो जब वीर्य बाहर निकलता है तो वॉल बंद हो जाता है, उसका मुंह बंद हो जाता है पेशाब की थैली का, और पेशाब आएंगे नहीं तो वीर्य आ जाएगा। अच्छा, जब पेशाब आती है तब ये जो सीमेन का जो है, सीमेन मतलब वीर्य निकलने का, उसका वो साइड का मुंह बंद हो जाएगा और पेशाब आ जाएगी। अभी होता क्या है कि समझो ब्लैडर नेक जो है वहाँ जो वॉल होता है, यदि वो वॉल लूज है, लीक है, तो जब वीर्य बाहर निकल रहा है तो वीर्य जाएगा पेशाब की थैली में ऊपर और वहाँ जमा हो जाएगा। अब वीर्य यदि पेशाब के थैली में ऊपर जा रहा है, वहाँ जमा हो रहा है, तो सेक्स करने के समय इसका मतलब वीर्य बाहर नहीं निकल रहा है, ड्राई ऑर्गेजम हो रहा है। और ड्राई ऑर्गेजम मतलब मजा तो आ रहा है सेक्स करने में, मतलब वीर्य बाहर नहीं निकल रहा है। हो सकता है कि ये जो कपल है, पति पत्नी, इनको बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी है, क्योंकि वीर्य बाहर नहीं निकल रहा है, वो जा रहा है पेशाब के थैली में। अब वीर्य पेशाब के थैली में जमा हो रहा है तो पेशाब सफ़ेद रंग की हो रही है, तो यूरिन के साथ में, पेशाब के साथ में वीर्य भी बाहर निकल रहा है, क्योंकि पहले से ही वीर्य वहाँ जाके बैठा हुआ है, कहाँ, पेशाब की थैली। तब ये होता क्यों है ऐसा? हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज़, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कुछ दवाइयाँ हैं जिसके वजह से वीर्य बाहर न निकलते हुए वीर्य जाता है ऊपर और पेशाब की थैली में जमा हो जाता है। तो तीन लक्षण कौन से इसके? नंबर एक, ड्राई ऑर्गेजम मतलब वीर्य बाहर ना निकलना। नंबर दो, बच्चे नहीं होना। नंबर तीन, पेशाब गाढ़े रंग का होना। तो ये तीन यदि है तो आपका रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है ऐसा समझना है, और इससे कोई गलत नहीं है, उसका इलाज करना होगा। नंबर एक, यदि आप बच्चा चाहते हैं और ये ऐसा हो रहा है, वीर्य बाहर नहीं निकल रहा है, सफ़ेद रंग का पेशाब हो रहा है, तो उसका इलाज करना होगा। कुछ मेडिकेशंस है, वो मेडिकेशन आप ले सकते हैं। यदि नर्व एंडिंग्स जब डैमेज हुए हैं ऑपरेशन के बाद में, तो उसके लिए इलाज करना होगा। आपको इनफर्टिलिटी क्लिनिक जाना होगा, वहाँ डॉक्टर से सलाह लेनी होगी कि भाई मेरा वीर्य जो है वो बाहर नहीं आ रहा है, अभी उसके लिए दवाई कौन सी लूँ या क्या इलाज मैं करूँ। तो उसमें आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा। इन्वेस्टिगेशन करके उसका इलाज यदि करते हैं तो डेफिनेटली वीर्य बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा मतलब वो पेशाब की थैली में ऊपर नहीं जाएगा और आपको पेशाब गाढ़े रंग की होंगी नहीं। तो ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, इसका इलाज है, और ये इलाज आप करते हैं तो डेफिनेटली इससे आप राहत पा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। ये जो चिंता है लोगों को, मेरा वीर्य जो है वो पेशाब के जरिए बाहर निकल रहा है, तो वो पूरा निकल सकता है, ठीक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।